सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो गाइस, ऐश के हर एक पोकेमोन ने अभी तक काफी सारी बैटल्स लड़ी है, कुछ ने काफी सारी बैटल्स जीती है, उसी के कॉन्ट्रास्ट में कुछ ने काफी सारी हारी भी हैं। तो आज का हमारा टॉपिक एग्जैक्टली यही होने वाला है, यानी कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर एक रीजन से ऐश के किस पोकेमोन ने सबसे ज्यादा बैटल्स जीती है एंड वहीं पे किसने सबसे ज्यादा हारी है। सो हाँ, अब अगर आप लोग चैनल पर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड वीडियो काफी ज्यादा यूनिक होने वाली है तो लाइक भी कर देना। तो अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ बैटल रिकॉर्ड पे बेस्ड है और इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर एक पोकेमोन ने सबसे ज्यादा बैटल्स हारी है तो ऐश का वो वर्स्ट पोकेमोन है उस रीजन का, क्योंकि हो सकता है कि कंपैरेटिवली ऐश के बाकी के पोकेमोन्स ने उससे कम बैटल की हो या फिर ज्यादा वीक पोकेमोन से बैटल की हो। तो हाँ, अब जब मैंने ये बोल दिया, स्टार्ट करते हैं कैंटो रीजन से। तो मैं काफी बार बता चुका हूँ कि इंडिगो लीग और ऑरेंज लीग दोनों कंबाइंड होते हैं, तो ऐश ने इन दोनों लीग्स के अंदर पकड़े थे पिकाचू, बटरफ्री, पिजियॉट, बल्बसॉर्ट, चार्लजार्ड, कॉटल, किंगलर, मक, टॉरस, लैप्रेस, स्नोरलैक्स और प्राइमे। और इन सारे पोकेमोन्स में जिस पोकेमोन ने सबसे ज्यादा बैटल जीती थी वो डेफिनेटली पिकाचू था, क्योंकि ऑब्वियसली ऐश ने पिकाचू को सबसे ज्यादा यूज किया है, जिस वजह से उसने बहुत ज्यादा बैटल्स लड़ी है। और अलोला रीजन तक ऐश के पिकाचू ने 133 बैटल्स जीती थी और लिटरली जितने ऐश के पिकाचू ने बैटल्स जीती है उतने तो ऐश के किसी पोकेमोन ने लड़ी भी नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यार पिकाचू को लेना अनफेयर होगा एंड पिकाचू को छोड़कर जिस पोकेमोन ने सबसे ज्यादा बैटल जीती थी कैंटो के अंदर वो था ऐश का बल्बसॉर। इनफैक्ट अगर हम पिकाचू को छोड़ दे तो ऐश के बल्बसॉर ने ऐश के किसी भी पोकेमोन के मुकाबले सबसे ज्यादा बैटल जीती है, जो कि टोटल 21 है। एंड हाँ, काफी लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि चार्जार्ड आएगा, बट नहीं यार, बल्बसॉर ने ज्यादा बैटल जीती है चार्जार्ड के मुकाबले। और वहीं पे इस रीजन में ऐश के जिस पोकेमोन ने सबसे ज्यादा बैटल्स हारी थी वो भी बल्बसॉर ही था, जिसने 8 बैटल्स हारी थी, जिनमें से कुछ बैटल्स के बारे में बताओ तो ऐश का बल्बसॉर एरिका के टैंगला, डुप्लिका के डिट्टो, केट के फारफेच, ड्रेक के इलेक्टाबज और एफ्रेम के स्किप्लूम के सामने हारा था। तो हाँ, कैंटो में ऐश के बल्बसॉर ने सबसे ज्यादा बैटल जीती भी थी एंड वहीं पे हारी भी थी। और अब बात करें जनरेशन 2 या फिर जोटो रीजन की, तो जोटो में ऐश ने 6 पोकेमोन पकड़े थे, जो कि थे बेलीफ, क्विलावा, हेराक्रॉस, नॉकटावल, टोटोडाइल और डॉनफैन। तो सबसे पहले बात करें कि ऐश के किस पोकेमोन ने सबसे ज्यादा बैटल जीती थी इस रीजन में, तो वो था ऐश का क्विलावा, क्योंकि यार ऐश ने किसी भी पोकेमोन को इस रीजन में उतना ज्यादा यूज नहीं किया था, बट जिस पोकेमोन को सबसे ज्यादा यूज किया था वो क्विलावा ही था। और ओवरऑल अभी तक क्विलावा ने 9 बैटल जीती थी सीनो के बैटल्स को मिला के। और ऐश के जिस पोकेमोन ने इस रीजन में सबसे ज्यादा बैटल्स हारी थी वो था ऐश का टोटोडाइल। तो एक्चुअली इस रीजन के अंदर क्विलावा ने सबसे ज्यादा बैटल्स हारी थी, बट सेम पोकेमोन को मैं काउंट नहीं करने वाला हूँ। तो हाँ, अगर हम क्विलावा को छोड़ दे तो ऐश का टोटोडाइल ने सबसे ज्यादा बैटल्स हारी थी इस रीजन में, जिसने टोटल 6 बैटल्स हारी थी, जो कि उतनी ज्यादा भी नहीं होती है, बट ऐश ने अपने पोकेमोन्स को उतना ज्यादा यूज ही नहीं किया था जोटो में। अब आगे बढ़ते जनरेशन 3 या फिर होइन रीजन की तरफ। होइन के अंदर ऐश ने सिर्फ और सिर्फ 5 पोकेमोन्स को पकड़ा था, जो कि बहुत ज्यादा कम होते हैं, बट सारे के सारे कमाल के थे। और वो सारे पोकेमोन्स थे ग्लेली, कॉरफिश, टॉर्कोल, स्वेलो एंड सैप्टाइल। और इस रीजन में ऐश ने अपने सारे पोकेमोन्स को अच्छे से यूज भी किया था। तो होइन में ऐश के जिस पोकेमोन ने सबसे ज्यादा बैटल जीती थी वो एक टाई था, जो कि था कॉरफिश और सैप्टाइल के बीच में। इन दोनों ही पोकेमोन ने ऐश के पूरे होइन जर्नी में 16 बैटल जीती थी, जो कि यार कमाल का रिकॉर्ड था। और ना कॉरफिश का सेप्टल के साथ टाई होना बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, बट हाँ, इन दोनों पोकेमोन्स ने सबसे ज्यादा बैटल जीती थी इस रीजन में। और होइन में जो पोकेमोन सबसे ज्यादा बैटल हारा था वो अगेंस्ट सेप्टल और कॉरफिश ही थे। इनफैक्ट सेप्टल ने कॉरफिश के मुकाबले ज्यादा बैटल हारी थी, जो कि टोटल 13 बैटल्स थी। तो सेप्टल को छोड़कर किसी और पोकेमोन की बात करें तो वो अगेंस्ट कॉरफिश ही था, जिसने 10 बैटल हारी थी होइन के अंदर। तो हाँ, होइन में यही दोनों पोकेमोन्स थे जिन्होंने सबसे ज्यादा बैटल हारी थी एंड वहीं पे जीती भी थी। तो अब बात करें सिनो की, तो ऐश ने सिनो के अंदर काफी सारे कमाल के पोकेमोन्स को पकड़ा था। और फाइनली ये एक ऐसा रीजन था जहाँ पे जिस पोकेमोन ने सबसे ज्यादा बैटल जीती थी उसने सबसे ज्यादा हारी नहीं थी, बल्कि किसी और पोकेमोन ने सबसे ज्यादा हारी थी। तो सिनो में ऐश ने पकड़ा था गिबल, ग्लाइस्कोर, ब्यूजल, टॉर्टेरा, स्टारेप्टर एंड इन्फर्ने। और ऐश के जिस पोकेमोन ने सिनो में सबसे ज्यादा बैटल जीती थी वो सिनो का ऐश का एस पोकेमोन भी था एंड वो था इन्फर्ने। तो इन्फर्ने अपने पूरे सिनो रीजन के अंदर 17 बैटल्स को जीता था, जो कि एक कमाल का रिकॉर्ड था। बट से भी कमाल की बात यह है कि उसने काफी कम बैटल्स ही हारी थी, जिस वजह से सिनो का सबसे ज्यादा मैच हारने वाला पोकेमोन इन्फर्नेप नहीं था, बल्कि उसके जगह पे टॉर्टेरा था। तो टॉर्टेरा ने पूरे सिनो के अंदर 13 मैचेस हारे थे और इनमें से ज्यादा मैचेस तो उसने इवॉल्व होने के बाद ही हारे थे, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो फुली इवॉल्व होने के बाद ऐश के टॉर्टेरा ने एक मैच भी नहीं जीता था। हालांकि ग्रोटल या फिर टर्टफी के फॉर्म में उसने काफी सारी बैटल जीती भी थी एंड क्लोज भी लेके गया था, बट इवॉल्व होने के बाद उसकी स्पीड काफी कम हो गई थी, जिस वजह से उसकी बैटलिंग पावर में बहुत
ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो वहाँ सीनों में एश के इन्फर्नो ने सबसे ज्यादा मैचेस जीते थे एंड वहीं पर टॉर्टर ने सबसे ज्यादा मैचेस हारे थे या फिर लूज किए थे। तो आगे बढ़ने से पहले पॉक क्विज, तो बताओ ये कौन सा पॉकीमोन है। तो आगे बढ़े यूनोवर्जन या फिर जनरेशन 5 की तरफ। तो जेन 5 में एश के किसी भी पॉकीमोन ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था क्रोकोडाइल को छोड़ के। एनीवे एश के यूनोवा पॉकीमोन थे पालपिटोट, स्क्रैगी, ओशोवॉट, लिबैनी, बोल्डोर, स्नाइवी, अनफिजेंट, पिगनाइट और क्रोकोडाइल। तो इन सारे पॉकीमोन्स में जिस पॉकीमोन ने सबसे ज्यादा बैटल जीती थी वो था एश का पिगनाइट। हाँ, एश के पिगनाइट ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था बट उसको एश ने काफी ज्यादा यूज किया था यूनोवा में। तो पिगनाइट ने यूनोवा के अंदर 13 बैटल जीती थी जो कि एश की यूनोवा के एस यानी कि क्रोकोडाइल से डबल है। और सच में मैंने कभी भी रियलाइज नहीं किया था कि एश के पिगनाइट ने इतनी ज्यादा बैटल जीती है। और बात करें सबसे ज्यादा बैटल्स हारने वाले पॉकीमोन की तो वो भी पिगनाइट ही था जिसने 9 बैटल्स हारी थी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एश यूनोवा के अंदर किसी भी पॉकीमोन को उतना ज्यादा यूज नहीं करता था, इवन क्रोकोडाइल को भी उसने सिर्फ और सिर्फ 5 बैटल्स में यूज किया था जबकि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो हाँ, पिगनाइट ने यूनोवा के अंदर सबसे ज्यादा बैटल जीती भी है एंड वहीं पे हारी भी है। तो अब आगे बढ़ते हैं एश के जेन 6 या फिर कैलोस की टीम की तरफ। कैलोस की टीम एश की अब तक की वन ऑफ द बेस्ट टीम भी मानी जाती है क्योंकि एश ने कैलोस में अच्छे पॉकीमोन्स तो पकड़े थे बट उन सबको फुली इवॉल्व भी किया था जो कि वो पिछले रीजन में नहीं करता था। तो एश के कैलोस पॉकीमोन थे नॉइवर्न, हाउलूचा, टलोन फ्लेम, गुडरा एंड ऑफकोर्स ग्रीनिंजा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एश के कैलोस टीम में सबसे ज्यादा मैच किस पॉकीमोन ने जीते थे। तो वो पॉकीमोन था एश का ग्रीनिंजा। तो पूरे कैलोस रीजन के अंदर एश के ग्रीनिंजा ने 16 मैचेस जीते थे। इनफैक्ट ग्रीनिंजा जब फ्रोगिडियर के फॉर्म में था तो वो अनडिफीटेड था यानी कि वो एक भी मैच नहीं हारा था अपने फ्रॉगिडियर के फॉर्म में। और एश के ग्रीनिंजा ने सॉफ्टवेयर के ट्रीको, ग्रोवाइल, सेप्टल एंड यहां तक कि मेगा सेप्टल को भी हराया यानी कि पूरे के पूरे एवोल्यूशन लाइन को हराया है। और उसने अलान के बिशाप को हराया है, ओलंपिया के मियाउस्टिक को हराया है और वहीं पे वर्ल्ड फ्रिक के अबोमा स्नो को भी हराया है। और ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बैटल्स थी, उसने और भी काफी सारे ऑसम पॉकीमोन्स को हराया है। एंड वहीं पे एश के कैलोस टीम में जिस पॉकीमोन ने सबसे ज्यादा मैचेस हारे थे वो था एश का टैलोन फ्लेम। तो एश के टैलोन फ्लेम ने टोटल 9 मैचेस हारे थे जो कि सबसे ज्यादा है एश के पूरे कैलोस टीम में। तो अब आगे बढ़ते जेन 7 या फिर अलोला की तरफ। अलोला में एश ने काफी सारे ऑसम पॉकीमोन्स को पकड़ा था और ये टीम एश की एक चैंपियन टीम थी यानी कि इस टीम को लेकर एश चैंपियन बना था। तो ऑफ कोर्स ये भी एश की वन ऑफ द बेस्ट टीम थी एंड इसके अंदर एश ने पकड़े थे मेलमेटल, नागानाडियल, राउलेट, इंसिनरोर और लाइकन रॉक। तो अगर आपको गेस करना होता कि इस रीजन में सबसे ज्यादा बैटल्स किस पॉकीमोन ने जीती है तो आप लोग लाइकन रॉक या फिर किसी और फुली इवॉल्व पॉकीमोन का नाम लोगे। बट नहीं, एश के पूरे अलोला टीम में सबसे ज्यादा मैचेस राउलेट ने जीते थे क्योंकि इनफैक्ट एश के अलोला टीम में एक लौता अनइवॉल्व पॉकीमोन था। तो हाँ यार, राउलेट ने सारे एश के फुली इवॉल्व पॉकीमोन्स के मुकाबले ज्यादा बैटल जीती थी अलोला टीम में जो कि टोटल 8 थी। और ये भी यार सच में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। एंड वहीं पे जिस पॉकीमोन ने ज्यादा लॉसेस किए थे यानी कि ज्यादा बैटल्स हारी थी वो था लाइकन रॉक जिसने 4 बैटल हारी थी एंड वहीं पे राउलेट ने भी 4 ही हारी थी यानी कि इन दोनों पॉकीमोन्स के बीच में टाई था सबसे ज्यादा बैटल्स हारने का। तो अब जो लास्ट रीजन है वो है गलार रीजन। तो गलार का मैं अभी नहीं बताने वाला कि किस पॉकीमोन ने सबसे ज्यादा बैटल जीते या फिर किसने ज्यादा हारी है क्योंकि अभी तक गलार रीजन ऑनगोइंग है एंड वो एंड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो लिस्ट है वो चेंज हो सकती है तो इस वजह से मैं गलार के एंड में शायद से एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। वेल, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।